ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಅಲ್ಲ ಇನ್ನಾರಾ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैफ़ा हालकुम अमेजिंग पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ सैटरडे से, जिस दिन हम लोग गए थे डीमार्ट अपनी मंथली ग्रोसरीज की शॉपिंग के लिए, और उसके बाद में मैंने इस ब्लॉग में ऐड किया है संडे और मंडे भी, जो कि बहुत ही अच्छा गुजरा और बहुत सारी चीजें हुई। सारी चीजें आपसे शेयर कर रही हूँ, आई होप यू लाइक इट। जाएंगे जाएंगे घर पे। मेरी वजह से आपका भी फेवरेट हो गया हूँ, और जैन की वजह से मेरा फेवरेट हो गया। यहाँ पर आदिल ने इनारा को थोड़ा सा चुपा चुप खिलाया, एंड लुक एट हर एक्सप्रेशंस। जो कुछ खा रहे अच्छा है, यम्मी है। डीमार्ट के बाद हम लोग आ गए थे आदिल के ऑफिस पे। काफी दिन हो गए थे मैं नहीं गई थी, तो देखना चाह रही थी क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए ऑफिस में, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है ये ऑफिस में आकर। और किसी दिन आपको भी इस ऑफिस का टूर करवाऊंगी, सब कुछ जब रेडी हो जाएगा। फिलहाल तो ये अंडर रिनोवेशन है, बहुत सारी चीजें करना बाकी है। जैसे ही सब हो जाएगा इनॉग्रेशन का वीडियो भी इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगी। नेक्स्ट डे शाम को हम लोग आ गए थे विला पर, बिकॉज यहाँ पर आ गया है फर्नीचर। पूरा तो नहीं आया, थोड़ा ही आया है। आदिल एक्चुअली देखने गए थे, बहुत ज्यादा पसंद आ गया इसलिए फॉरन ले लिया। आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को दिखा रही हूँ, थोड़ा बहुत ही आया है अभी। सोफा, एक बेड लिया है, एसी, एक सेंटर टेबल है बहुत ही खूबसूरत सा, और इसके अलावा एक टीवी कैबिनेट है। मैं डिटेल्स में आपको पूरा सेटअप होने के बाद में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आगे करो आगे करो आगे करो, बस बस, नहीं नहीं मेरी तरफ, हाँ बस। सोफा कैसा लगा? नहीं छोटे जो चार कोने जो रहते हैं, अच्छा है, डिजाइन वगैरह अच्छा है। और ये कैसा है? ये तो मेरे को पीस ऑफ आर्ट, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, अनमोल है। नहीं बहुत बहुत खूबसूरत, अच्छी जगह है, बैडमिंटन यहाँ पे आपको सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी मिल जाते हैं। हाँ, वी लव दिस प्लेस। कम विला से निकलकर हम लोग आ गए थे एक स्पोर्ट्स एकेडमी। यहाँ पर स्पोर्ट्स के सारे इक्विपमेंट्स आपको मिलते हैं। तो जैन ने क्योंकि स्कूल में बॉक्सिंग में एडमिशन लिया है, तो जैन के लिए बॉक्सिंग ग्लव्स हमने लेने थे, वही चेकआउट करने हम लोग यहाँ पर रुक गए। ओफो जैन क्या बात है, बहुत बड़ी है आपसे, आपके हाइट से भी बड़ी है ये बैट, वैसे छोटी वाली ले ले सकते। छोटी है पीछे दे दी। हाँ, ये बच्चे के साइज के लिए, इनके साइज के लिए चाहिए। अब देखो इनका हाथ देखो, या तो कैसे, जरा बढ़िया, या तो आप ये किट ले लो, नहीं तो किट आता है
स्पोर्ट्स एकेडमी में अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम लोगों को थोड़ी भूख लगने लगी थी और सोचा कि आसपास चल के कहीं अच्छी बिरयानी खाते हैं और आसपास सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास सर्वी का था तो हम लोग यहीं पर आ गए। ये टी शर्ट कितनी अच्छी लगी इसमें ना। छोटी खरगोश दिख रही है। सो बेगम बैक टू सर्विंग। सर्विंग की बिरयानी याद आ गई थी आपको बहुत, इसलिए फरमाइश किए कि बिरयानी खाएंगे। आज हम लोगों ने कोई स्टार्टर या ग्रेवी चपाती के साथ कुछ भी ऑर्डर नहीं किया बिकॉज ये सारी चीजें खाने से आप बिरयानी बहुत अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों को सिर्फ बिरयानी की क्रेविंग हो रही थी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमने वन डिश ऑर्डर की और बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह। ये फैमिली पैक में कितने रहते पीसेस? 4 पीसेस रहते। और कौन सा पीस है? सर्वी की बिरयानी आजकल हमारी करंट फेवरेट चल रही है और बहुत ही मजेदार टेस्ट है यहाँ का, आप लोग कभी ट्राई करेगा और आप यहाँ पर देखिए सब लोग कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजेदार सा डिनर एंजॉय करने के बाद में अब हम लोग आ गए थे चाय पीने तायबा। ये हमारा एक रिचुअल बन गया है आजकल और यहाँ की चाय मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है तो आदिल जब भी यहाँ से गुजरते हैं जरूर यहाँ पर रोकते हैं चाय पीने एंड एज यूजुअल यहाँ की चाय हमने जाते जाते बहुत ज्यादा एंजॉय की। गाइस तो आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफ़ी सारा फर्नीचर विला पर आ गया है और भी बहुत कुछ लेना बाकी है लेकिन सोफों को देखकर तो मुझे दिल ही खुशी हुई, बहुत अच्छे डिज़ाइंस मिले और उसके ऊपर हम लोगों ने कुशंस लेने हैं तो वो मैं एक शॉप मुझे पता है वहाँ पर जाकर उसके डिज़ाइन के हिसाब से मिक्स एंड मैच करके लूँगी। बहुत कुछ अच्छा प्लान किया है, इंशाल्लाह हो सके तो ब्लॉग में शामिल करूँगी इस चीज़ को। उसके बाद कर्टन्स वगैरह भी हमने लेना बाकी है, वो कमिंग डेज़ में हम लोग जाएंगे और थोड़ा बहुत फर्नीचर लेना बाकी है। बहुत स्पेशल चीज़ है उसका सेंटर टेबल जो मैंने आपको सरसरी तौर पे दिखाया, डिटेल में मैं आपको पूरा सेट होने के बाद दिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और एक चीज़ आज मिस हुई है वो है उसका टीवी कैबिनेट, वो अंदर रखा हुआ था इसलिए मैं इस व्लॉग में आप लोगों को दिखा नहीं सकी। मे बी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँ उसके पिक्चर्स। फिर हम लोग बिरयानी खाने गए और आदिल ने मुझे एक बहुत अच्छी जगह एक्सप्लोर करवाई बीइंग इन स्पोर्ट्स, मुझे तो वो काफ़ी अच्छी लगी और अगर आप लोग भी स्पोर्ट्स पे हैं रिलेट कर सकते हैं तो आई एम श्योर आपको भी ऐसी जगह बहुत पसंद आती होगी। बस यही था आज के ब्लॉग में और आप लोग अगर मुझसे डेली कनेक्टेड रहना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रोज़ अपडेटेड होती हूँ, मैं उसका आईडी यहाँ पर डाल रही हूँ, ज़रूर फॉलो करिएगा मुझे। उसके अलावा बस वीकली वंस तो हमारे ब्लॉग यहाँ पर होते हैं जिसके लिए आपको करना है चैनल पर सब्सक्राइब अगर आप लोग नए हैं तो। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।